हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का प्रोग्राम क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में क्वेश्चन आया था। देखिए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है कौन सा लाइन सेगमेंट को, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2.1 एंड बी 5.-8। जब भी ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। कैसे, आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी और उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2.1 और बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं बच्चों 5.-8। आपसे बोला जा रहा है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। हमने लिख दिया सपोज वो ये वाला पॉइंट है और किस तरह से सच डेट एपी अपॉन एबी। तो देखिए यहाँ पे एपी अपॉन एबी दिया है, ये बड़े काम की बात है। एक बार बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि सर हमें एपी अपॉन पीबी तो दिया ही नहीं, हमें तो दिया है एपी अपॉन एबी टोटल, तो क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए आपको दिया है यहाँ पे एपी अपॉन ए बी कितना दिया है बच्चों 1/3। इसका मतलब मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक सिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है मेरी। ए पी कितना है 1 और ए बी कितना है 3। ये रहा ए बी 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना 3 और ए पी कितना है बच्चों 1। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना बचेगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो 2 ही तो बचेगा। तो ये इसकी ट्रिक होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी हमने आपको कितना दे रखा है 3 और ये वाला पार्ट हमने आपको कितना दे रखा है 1। तो आपको ये वाला पार्ट निकालना होता है, क्यों, क्योंकि हमें तो ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट पी है ना इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब जाके लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो ए पी 1 है तो पी बी कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। तो हम एग्जाम में सबसे पहले डायलॉग लिखेंगे एज वी नो दैट पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, क्योंकि सबसे पहले आपको रेशियो पता होना जरूरी है, तब जाके आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पी के लिए एम वन की वैल्यू पता लग गई 1, एम वन कितना है बच्चों 1 और इस पॉइंट के लिए एम टू की वैल्यू पता लग गई मुझे कितनी 2। अब मुझे इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता और कोई रोकेगा तो मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट को मैं क्या मान लूंगा, सपोज पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x, y। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x = फॉर्मूला आपको पता ही है m1x2+m2x1। आज फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज अपन न्यू क्लास ले रहे हैं इसलिए मैं वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं लिखूँगा, याद रख लेना आप। m1x2+m2x1/m1+m2। m1x2, m1 कितना बच्चों 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, m1x2 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 5 आ गया। तो प्लस, ये प्लस लगा दिया फॉर्मूले में आता है m2x1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 4 अपॉन m1+m2 1+2 कितना आ गया बच्चों 5+4 कितना होता है 9, 9/3 3 से 9 कट गया बच्चों कितनी बार 3 बार, x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 3। अब क्या निकालूंगा, अब मैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो कैसे लिखूंगा, y = सेम पिक्चर m1y2+m2y1 m1y2+m2y1 अपॉन m1+m2। तो y = m1y2, 1 को मल्टीप्लाई करना y2 से, 1 को -8 से करेंगे माइनस का 8, प्लस की जगह प्लस, m2y1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, वो कौन है 1, 2 को 1 से किया 2 आ गया अपॉन 1+2, ये आ गया बच्चों 1+2। तो y = -8+2 -6 और अपॉन में 1+2 कितना आ जाएगा 3, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो मेरी पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है -2 और x की वैल्यू आ चुकी है 3। इसका मतलब ये पॉइंट P जो है ना इस लाइन सेगमेंट AB को m1:2 में जो डिवाइड कर रहा था, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग चुके हैं कितने, पी के कोऑर्डिनेट 3.-2। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने आए 3.-2। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है इफ पी लाइज ऑन द लाइन, अगर ये पॉइंट पी इस लाइन पे लाई कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है इस क्वेश्चन की, अभी तक तो आप कल पढ़ चुके थे कि ये सेक्शन फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना होता है, ये तो मैं आपको कल बहुत अच्छे से सिखा चुका था। अब आज जो न्यू जो आपके पास बात इंट्रोड्यूस हुई है वो ये वाली इंट्रोड्यूस हुई है कि बच्चों ये जो पॉइंट है ना पी,
ये पॉइंट पी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी आता है तो आपका सीधा सा डायलॉग रहेगा, अगर ये पॉइंट पी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हैंस पी विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट पी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, x के प्लेस पे x की वैल्यू कितनी है 3, और y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट 3 है और पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट -2 है। तो x के प्लेस पे 3 रखेंगे और y के प्लेस पे -2 रखेंगे। तो 2 x के प्लेस पे क्या रखा बच्चों, 3, माइनस की जगह माइनस है क्योंकि y की वैल्यू माइनस में है। तो -2 प्लस के इक्वल टू जीरो, 3 2 6, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 6 + 2 प्लस के इक्वल टू जीरो। 6 + 2 कितना होता है 8, तो आप क्या लिखेंगे 8 + k = 0। इधर 8 प्लस का है, उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -8। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो k की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई में 3-4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई अच्छा क्वेश्चन लेने के लिए अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई अच्छा क्वेश्चन पिक करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली पिक होता है एग्जाम में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। देखिए इफ ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -1, बी स्मॉल ए कोमा 0 एंड सी 4, b एंड d 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ, ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ये चारों पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, a और b की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ आपके सामने। एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ये पैरेललोग्राम बनाया बच्चों मैंने आपके सामने, इस पैरेललोग्राम की वर्टिसेस को इंडिकेट कर देता हूँ a b c d सीक्वेंस में, a B, C, D। अब जिसके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं मैं पुट कर देता हूँ, A के कोऑर्डिनेट है बच्चों -2, -1 लिख दिए, B के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों small a, 0, C के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों (4, small b) और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं (1, 2)। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया आपको पता लग चुका है कि ये चारों पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है, लेकिन ये थोड़ी दिखाना था यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ और प्रूव करना है, यहाँ पे तो क्या प्रूव करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपको मेरी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, बी को डी से ज्वाइन कर दीजिए, दो डायगोनल बन चुके हैं यहाँ पे आपके पास, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए आप ओ। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पहले तो आपको एग्जाम में डायलॉग लिखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो ये लिखेंगे हैंस, फिर अब है कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, हैंस O is midpoint of AC as well as BD. O जो है वो AC का भी midpoint है और BD का भी midpoint है. Hence O is midpoint of AC as well as BD. O जो है वो AC का भी midpoint है और BD का भी midpoint है. ये रहा AC, ये रहा BD। इसका मतलब क्या करते हैं, इसका मतलब हम इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज में आएगा, तो वो मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बड़ा सिंपल सा है इसलिए क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस O के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग AC। तो सबसे पहले आप किसको यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग AC। AC को यूज करने पे O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, O लिखेंगे ब्रैकेट में। अब मैं आपको बताता हूँ, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है (x1+x2)/(y1+y2)/2। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का। अगर आपको कभी कोई लाइन सेगमेंट पता है और उसका मिड पॉइंट निकालना है तो आप क्या करें, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए -2 + 4, तो O के कोऑर्डिनेट -2 + 4 / 2, इससे तो क्या मिलेगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है।
फिर कोमा लगाइए, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन कितना है माइनस वन और वाई टू कितना है बी, तो आप कैसे लिखेंगे माइनस वन प्लस बी अपॉन टू, ये लिखा आपने। देखिए माइनस टू प्लस फोर का मतलब कितना हुआ, फोर में से टू को माइनस करना है, टू बचेगा, टू को टू से डिवाइड करेंगे वन। ओ के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों वन कोमा माइनस वन प्लस बी बाई टू, माइनस वन प्लस बी बाई टू, ये ओ के कोऑर्डिनेट मिले हैं आपको किसकी हेल्प से, ए सी की हेल्प से। अब मैं क्या करूँगा, इस ओ के कोऑर्डिनेट निकालूंगा आपकी बार किसकी हेल्प से, बी डी की हेल्प से। तो आपकी बार यहाँ पे लिखूंगा बच्चों बाय यूजिंग बी डी, और कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं वापस ओ के, तो ओ और ब्रैकेट में वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एक्स के लिए, और वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो देखिए ए प्लस वन अपॉन टू, ए प्लस वन अपॉन टू, क्लियर है बच्चों, ये एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये रहा आपका वाई कोऑर्डिनेट, जीरो प्लस टू अपॉन टू, जीरो प्लस टू अपॉन टू। तो ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ से कितने आए बच्चों, ए प्लस वन, तो ए प्लस वन ही रहेगा, तो आप लिखेंगे ए प्लस वन अपॉन टू कोमा जीरो प्लस टू का मतलब टू, टू को टू से डिवाइड करेंगे वन, ये ओ के कोऑर्डिनेट है। अब भैया ओ के कोऑर्डिनेट चाहे ए सी से निकालो चाहे ओ के कोऑर्डिनेट बी डी से निकालो, आना तो सेम ही चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट तो वही है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज थोड़े ना हो सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट मिल गया, यहाँ से जो ओ के कोऑर्डिनेट आए और वहाँ से जो ओ के कोऑर्डिनेट आए, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने चाहिए तो कॉन्सेप्ट एक्स एक्स के इक्वल होना चाहिए और वाई वाई के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, वन, वन किसके इक्वल हो जाएगा, वन इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस वन अपॉन टू है, वन इसके इक्वल हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू को वन से करेंगे टू, टू इक्वल टू ए प्लस वन, सिंपल सी इक्वेशन बन गई है बिल्कुल बच्चों जैसी, वन इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो टू में से वन जाएगा वन बचेगा, ए की वैल्यू आ गई वन, कितना सिंपल था। अब किसके लिए निकालना है, इसके लिए, इसके लिए निकालना है तो देखिए आप हम क्या करेंगे, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट वहाँ के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, तो लिखेंगे माइनस वन प्लस बी अपॉन टू, इक्वल टू में क्या लिखेंगे बच्चों वन, सेम प्रोसेस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा, तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों टू, तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू टू, यहाँ माइनस का वन है उधर जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, तो बी इक्वल टू टू प्लस वन, इसका मतलब थ्री, इसका मतलब आंसर आ चुका है, कैसे ए की वैल्यू आ चुकी है बच्चों मेरे पास कितनी वन, और बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी थ्री, एग्जाम में शानदार लिखूंगा बिल्कुल अलग से दिखा के, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू थ्री, और ये एक शानदार बॉक्स बनाऊंगा और बॉक्स में फिट कर दूंगा दोनों को, ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है थ्री, खत्म, नंबर दे दे फटाफट, आ गए मेरी बात समझ में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। अब देखिए भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई में टू थ्री टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा बड़ा फेवरेट है यार, इसको बताने में भी बहुत मजा आता है, दूसरा समझने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है, जिनको समझना है, और जिन्हें नहीं समझना तो उन्हें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो कितना ही समझाओ, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो गिवन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको निकालना है कि उस ट्राइंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, बहुत यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों आपके सामने ये एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो क्वेश्चन है ना वो डायग्राम का रह जाता है, मतलब आपको डायग्राम बनाना आता है ना तो क्वेश्चन की आधी पिक्चर तो वैसे ही निमट जाती है, समझ में आई मेरी बात। तो सबसे पहले तो आपने ये एक ट्राइंगल बनाया, अब इस ट्राइंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने ना भाई, तो पहले वर्टिसेस का नाम तो दो, जैसे आपका कोई नाम है मेरा कोई नाम है तो बेचारे का इसका भी तो नाम देना पड़ेगा, तो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी, और ये लिखा मैंने यहाँ पे वर्टेक्स सी, इसका मतलब ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। अब हमें क्या दे रखा है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स है, इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, इन बिचारों का भी नाम दे देते हैं, इसको बोला मैंने डी, उसको बोला मैंने ई, और इसको बोला मैंने एफ, तो मैं बोलूँ कि इस बी सी का मिड पॉइंट है बच्चों डी, इस ए सी का मिड पॉइंट है बच्चों ई, और इस ए बी का मिड पॉइंट है एफ, आया कि नहीं आया भाई समझ में। ये पहले ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद इस ट्राइंगल की थ्री साइड्स के मिड पॉइंट्स के नेम मैंने दिए डी ई एफ,
और मुझे इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो लिख देता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है। डी के कोऑर्डिनेट 1, 2, ई के कोऑर्डिनेट 0, -1 और एफ के कोऑर्डिनेट बच्चों 2, -1। अब क्या मज़ा ही मज़ा है, कैसे? क्योंकि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बताया था। और देखिए कैसे यूज़ में आएगा, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसके भी नहीं पता, इसके भी नहीं पता, सिंपल। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3। अगर सिंगल पॉइंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, x, y। तीन पॉइंट है तो तीनों के लिए अलग अलग बात कर देंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x2, y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों x3, y3। अब क्या, अब तो बस मज़ा आने वाला है। अब कैसे, हमें पता है डी जो है ना बच्चों वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एक इक्वेशन यहाँ से लाऊंगा, एक यहाँ से लाऊंगा, एक यहाँ से लाऊंगा, देखना डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है बच्चों बी सी का मिड पॉइंट है। और अगर इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए होते तो मैं कैसे निकालता था, x1 + x2 / 2। तो मैं क्या लिखूंगा, x2 + x3, यहाँ लिखते हैं x2 + x3 / 2। और ऐसा करने पे मुझे क्या मिलता, इसका x कोऑर्डिनेट। भाई यहाँ दे रखा है तो इक्वल टू में रखूँगा, और नहीं देता तो मैं निकालता x2 + x3 / 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 1 आ गया। ये आते मज़ा आ गया, कैसे इक्वेशन मिल गई x2 + x3, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 + x3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2, ये मिल गई आपको एक इक्वेशन। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए, अब y के लिए निकालेंगे, कैसे, y2 + y3 / 2 इक्वल टू में क्या जाएगा, 2। तो y2 + y3 / 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में 2 आ जाएगा। सेम पिक्चर, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y2 + y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसको बोली इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी तो होगी कहानी ख़त्म। अब किसका नंबर लगाएंगे, अब की बार ई का, ई की हेल्प से काम करेंगे। आपकी बार ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आप, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ई ए सी का मिड पॉइंट है तो वापस वही मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो क्या कहता है, x1 + x3 / 2 इक्वल टू में x कोऑर्डिनेट। तो आप लिखेंगे x1 + x3 / 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो इक्वल टू में क्या आ गया, 0। और 0 से तो बेटा कोई भी मल्टीप्लाई हो उसकी तो फिल्म पूरी ख़त्म हो जाती है। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो पता लग गया x1 + x3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आ जाइए आप, y1 + y3 / 2 y1 + y3 / 2 इक्वल टू में -1। इक्वल टू में लिख दिया -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। तो y1 + y3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। आया कि नहीं आया यहाँ तक आपको समझ में? अब जो प्रोग्राम मैंने किसके लिए किया बच्चों, BC के लिए किया, AC के लिए किया, वही मुझे प्रोग्राम अब किसके लिए करना है, AB के लिए करना है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा आपकी बार, आपकी बार मुझे पता लग गया कि F मिड पॉइंट है किसका, F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, F जो है वो मिड पॉइंट है इसका AB का। तो x1 + x2 आप कैसे लिखेंगे, x1 + x2 / 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब x1 + x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आया कि नहीं आया समझ में? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब आगे की बात करते हैं, आपकी बार y का नंबर लगाएंगे, तो y1 + y2 / 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -1। तो आप लिखेंगे y1 + y2 / 2 इक्वल टू में इसका y कोऑर्डिनेट, दैट इज -1। ये आ गया -1, वही पिक्चर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y1 + y2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 6। अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपके पास यहाँ पे कितनी इक्वेशंस आ चुकी है, 1, 2, 3, 4 और
5, 6। अब मैं इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अब देखिए बच्चों कंटिन्यू, अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ओनली 2 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो जो भी इक्वेशंस एक्स में, पहले तो आप उन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ये इसको सॉल्व करने की बड़ी शानदार ट्रिक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5, ये तीनों इक्वेशंस किसके अंदर है बच्चों? ये तीनों इक्वेशन एक्स में है, तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5। ऐड करूंगा, LHS में LHS प्लस होगा, RHS में RHS प्लस होगा। तो X1 प्लस X3, फिर किसको प्लस करना है इसको? तो प्लस X1 प्लस X3, फिर प्लस करना है किसको? इसको। प्लस X1 प्लस X2 इक्वल टू RHS में RHS प्लस होगा। ये कितना है बच्चों? 2। 2 प्लस 0 0 आएगा, और सॉरी 2 प्लस 0 आपके पास ही आ गया 2। 2 में 4 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इधर आपके पास कितना आ गया? 6। इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करने पे अब देखिए मज़ेदार बात, X1 प्लस X1 2X1, X2 प्लस X2, ये देखिए X1 प्लस X3, यहाँ पे X1 प्लस X2, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था गलती से, ये X2 आएगा यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे X2 है। तो X2 प्लस X3 प्लस X1 प्लस X3 प्लस X1 प्लस X2। तो आपको पता लग गया X2 कितनी बार आ रहा है? 2 times। X1 भी कितनी बार आ रहा है? 2 times। X1 प्लस X1 2X1, X2 प्लस X2 2X2 और X3 प्लस X3 2X3 इक्वल टू 6। इनमें क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लीजिए, X1 प्लस X2 प्लस X3 इक्वल टू 6। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो X1 प्लस X2 प्लस X3 इसकी वैल्यू 6/2, आंसर कितना आ गया बच्चों? 3। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि अब इसकी हेल्प से आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। कैसे? ये देखिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए सबसे पहले किसकी? X1 प्लस X2 की। कितनी वैल्यू है बच्चों? 4। अगर आप X1 प्लस X2 की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो 4 प्लस X3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से X3 की वैल्यू मिल गई मुझे बच्चों कितनी? 3 माइनस 4। तो यहाँ से मुझे X3 मिल चुका है बच्चों कितना? 3 माइनस 4, दैट इज -1। कितना आ गया? -1। ये क्या है? X3। ठीक, अब क्या करूँगा? अब की बार मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा, X1 प्लस X2 की जगह किसकी वैल्यू पुट करूँगा? अब की बार वैल्यू पुट करूँगा X1 प्लस X3 की। तो देखिए X1 प्लस X3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। तो X1 प्लस X3 की जगह 0 आएगा, तो 0 प्लस X2 इक्वल टू 3, और 0 को किसी में भी प्लस करो तो आंसर तो वही रहेगा। तो X2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो मैंने X3 निकाल दिया, मैंने X2 निकाल दिया। अब मैं किसको निकालूंगा? आपकी बार मैं X1 को निकालूंगा। तो आपकी बार मैं X2 प्लस X3 की जो वैल्यू है ये रही 2 पुट करूंगा। अब की बार इस इक्वेशन में मैं X2 प्लस X3 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों? 2। तो X1 प्लस 2 क्या लिखूंगा? X1 प्लस 2 इक्वल टू 3। X1 प्लस 2 इक्वल टू 3। 2 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो X1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 माइनस 2। X1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। जैसे X1 के लिए किया, X2 के लिए किया, X3 के लिए किया, सेम पिक्चर अब मैं Y के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए आप, तो देखिए जो प्रोसेस हमने किसके लिए की बच्चों? एक्स के लिए, मतलब इक्वेशन 1, 3, 5 को एड किया था जो एक्स में थी, वही अब प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? वाई के लिए। तो अब की बार आप क्या लिखेंगे? 8, 2, 4, 6। तो उधर देखिए क्या लिख रहा है, y2 प्लस y3। इसमें प्लस करना है y1 प्लस y3। फिर उसमें प्लस करना है y1 प्लस y2, तो प्लस y1 प्लस y2 इक्वल टू RHS में RHS प्लस होगा। ये कितना दे रखा बच्चों आपको? 4। ये कितना दे रखा आपको? -2। और ये आपको कितना दे रखा? -2। -2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 4। 4 में अगर आप -4 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इधर आपके पास आंसर कितना आ चुका है? 0। सेम प्रोसेस, y1 टू टाइम्स है तो 2y1, y2 भी आपके पास बच्चों 2 टाइम्स है तो आप लिखेंगे 2y2, और y3 भी आपके पास 2 टाइम्स है तो आप लिखेंगे 2y3 इक्वल टू 0। सेम 2 कॉमन आ चुका है, 2 ब्रैकेट के अंदर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको? 0 मिल चुकी है। इसका मतलब अब वही पिक्चर अप्लाई करेंगे जो x के लिए करी थी। सबसे पहले आप क्या करिए,
y2 plus y3 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 4. तो y2 plus y3 की जगह क्या पुट करिए, 4. तो आप लिखेंगे y1 plus 4 equal to 0. तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4, ये y1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब की बार आप देखिए फोर्थ इक्वेशन में y1 plus y3, y1 plus y3, ये रहा बच्चों y1 plus y3, तो इसकी जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 2. तो ये पुट कर दिया माइनस 2 और ये प्लस का y2 इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो y2 की तो पिक्चर बहुत जल्दी खत्म हो गई, y2 कितना आ गया 2. अब क्या करेंगे, ये लास्ट वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, y1 plus y2, y1 plus y2 मतलब इसके प्लेस पे पुट करना है क्या, माइनस 2. तो आपकी बार लिखेंगे माइनस 2 प्लस y3 इक्वल टू 0. तो आपकी बार माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे y3 इक्वल टू 2. मज़ेदार बात यह है, आपको y1 मिल गया, y2 मिल गया, y3 मिल गया, आपको x1 मिल गया था, x2 मिल गया था, x3 मिल गया था. तो जो ट्राइंगल था ना वो था ABC और वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट आपने क्या बोले थे, x1 y1. तो वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 y1 मतलब 1, -4. तो वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट आ गए 1, -4 और वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 कितना है 3, कोमा y2 कितना है 2. तो वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 2. वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट x3 y3, x3 कितना है -1 और y3 कितना है 2. तो ये लिख दिया हमने 2. ये आपके ट्रायंगल ABC की वर्टेसेस के कोऑर्डिनेट हैं. तो देखिए मेथड लंबा था लेकिन इजी था, बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज आएगा और उसके बाद आपके पास x में बनेगी 3 इक्वेशन और y में बनेगी 3 इक्वेशन, x वाली को ऐड करना है, y वाली को ऐड करना है, उसके बाद आगे की सारी पिक्चर क्लियर है. ठीक है, इसको घर पे जाते ही करना है आज. आज जो जो भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए सारे क्वेश्चन घर पे जाते ही करने हैं और फिर कल हम नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे. ठीक है, हैव अ गुड डे, बाकी कल मिलेंगे.